अर्थात वीक में चार दिन वो दुकानें अनुमत दुकानें खुलेगी, बाकी तीन तरह की दुकानें। राज्य सरकार की नई कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने हेतु जिला कलेक्टर ने किया शहर का निरीक्षण। सरकार की ओर से नई कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने हेतु जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने आज झुंझुनू शहर का निरीक्षण किया। वहीं दुकानों को सीज भी किया जो बिना गाइडलाइन के खुली हुई थी। जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से आज से नई कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है, जिसको प्रभावी रूप से लागू कराने के लिए आज शहर का निरीक्षण किया गया है, जिसमें कई दुकानदारों ने सरकार की गाइडलाइन की अवहेलना करते हुए दुकानें खोल रखी थी, उन दुकानों को सीज भी किया। साथ ही उन्होंने बताया कि आज से नई कोरोना गाइडलाइन लागू की गई है, जिसके तहत मंगलवार से शुक्रवार तक ही किराना की दुकानें खुलेगी, जिसके तहत पशु आहार व खाद बीज की दुकानों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइंस की 24 तारीख से प्रभावी तरीके से लगाने एवं नई गाइडलाइन जारी की है। इस संदर्भ में आज झुंझुनू शहर के बाजार का देखा गया। अधिकारियों के साथ जो दुकानें ऑथराइज नहीं थी, आज खोलने के लिए अनुमान नहीं थी, वो भी दुकानें कुछ खुली हुई मिली, उनको सील करवाया गया। अधिकारियों को तथा पुलिस अधिकारियों को ये स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिए गए कि कोरोना गाइडलाइंस की जो पालना है उनकी सख्ती से की जाए, किसी तरह के उसमें लेथार्जिक और किसी तरह से उसमें कमी नहीं रहने दी जाए। नई गाइडलाइंस के अनुसार दो तीन बातें मूल हैं। नंबर एक यह है कि नई कोरोना गाइडलाइंस आज 24 मई से प्रातः से 5 बजे से लागू है। इसके तहत जो दुकानें थी, किराना की दुकानें थी या अन्य अनुमत दुकानें थी, उनको सोमवार को नहीं खोलने के लिए पाबंद किया गया है। अर्थात वीक में चार दिन वो दुकानें अनुमत दुकानें खुलेगी, बाकी तीन तरह की दुकानें जैसे डेयरी से संबंधित है, सब्जी से संबंधित है, ठेले जो सब्जियों ठेले से संबंधित है, वो सातों दिन खुले रहेंगे, वो भी 11 बजे से सुबह 6 बजे से दिन के 11 बजे तक, और दूध और डेयरी की दुकानें शाम को भी 2 घंटे खुलेंगी। जहां तक ठेले वाले लोग हैं, ये सब्जियां बेचने के लिए गलियों में मोहल्लों में घूमकर 5 बजे तक बेच सकते हैं। बैंक्स वगैरह के लिए भी और एटीएम्स वगैरह के लिए भी सबके लिए नई गाइडलाइंस आई हैं, उसमें कमो वेश जो पुरानी गाइडलाइंस वही हैं। लेकिन सरकार का जो मकसद है वो ये स्पष्ट है कि लोगों को घरों के अंदर रहना है, कोरोना से बचने के लिए, कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए आवश्यक रूप से घर में रहें, ये कोशिश नहीं करें कि वो अनावश्यक रूप से बाहर निकले।